नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कैरियर एंड सक्सेस टाइम्स में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही जरूरी टॉपिक पर। अगर आज भी आपको इंग्लिश में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ओके, स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बेसिक है। अगर आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होनी है। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस वीडियो में आप चुटकियों में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच लर्न कर लेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही जरूरी हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए, और इनको लर्न करने का मैं तरीका बताता हूं आपको, तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। सबसे पहले हम यहां पर एक लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। बहुत ही कॉमन है, इनमें एक कॉमन रिलेशन है, इन दोनों में एक कॉमन रिलेशन है और इनको हम अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन की डिफिनेशन आपने पढ़ी होगी, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। बट समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, नाउन सिर्फ नाम है, किसी का भी नाम नाउन, किसी का भी नाम, किसी शहर का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी का भी नाम, क्योंकि इस दुनिया में तो कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका कोई नाम ना हो, तो उसका नाम ही नाउन है। अगर इसको शॉर्ट में अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो नेम इज नाउन एंड नाउन इज नेम। तो पहला आपका है नाउन, बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है, नेम मतलब नाउन। ओके, सेकेंड है प्रोनाउन, बहुत ध्यान से इसको समझिए। प्रोनाउन इसमें अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, प्रोनाउन, नाउन यहां पर भी है, यहां पर तो नाउन है ये, दिस वन इज नाउन, बट प्रोनाउन में भी नाउन है। हम इसको कैसे को रिलेट करेंगे, नाउन प्रोनाउन, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये नाउन, अब प्रोनाउन, नाउन की जगह जो वर्ड हम यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है। नाउन की जगह जो वर्ड हम यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है। ये आई भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, ही सी इट, ये प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट एडजेक्टिव, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे। नाउन प्रोनाउन, यहां पर पहला है नाउन, उसके बाद आएगा प्रोनाउन, बिकॉज नाउन के बिना प्रोनाउन नहीं हो सकता है, और नाउन और प्रोनाउन अगर सेंटेंस में नहीं आते हैं तो एडजेक्टिव नहीं आ सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एक बार मैं आपको फिर से ये एक्सप्लेन करके बताता हूं। नाउन, सपोज दैट एक लड़का है मोहन, तो मोहन यहां पर नाउन है। ओके, अब बार बार मैं अगर मोहन के बारे में बात करता हूं, मोहन 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 मोहन, ये सही नहीं, तो मोहन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ही, ये प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये वर्ड मोहन की जगह आता है, मोहन नाउन है, ये देखिए यहां पर मोहन नाउन है और नाउन की जगह वर्ड आया ही, तो ही आपका हो जाएगा प्रोनाउन। सिंपल। नेक्स्ट, नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। हम यहां पर देखते हैं, मोहन एक अच्छा लड़का है, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड,
ये विशेषता बताता है किसकी, मोहन की, मोहन नाउन है तो इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव। बहुत क्लियर है, इसीलिए हमने इसको एक कैटेगरी में किया है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। सेंटेंस में नाउन नहीं आएगा तो प्रोनाउन नहीं आ सकता है, क्योंकि आप कितनी भी बार बोलेंगे कि मैं उससे घर गया था, मैं उससे मिला था, मैंने उससे ये बातें करी थी, लेकिन बाद में क्वेश्चन ये उठता है कि किससे, यानी कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा नाउन, उसका नाम मोहन, और ही प्रोनाउन है। अब अगर मैं उसके बारे में कुछ बात करता हूं, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक खराब लड़का है, तो ये जो क्वालिटी की बात हो रही है यहां पर, वो जो उसकी विशेषता की बात हो रही है, इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। तो इसीलिए इन तीनों को हमने एक कैटेगरी में दिया है, नाउन नेम, प्रोनाउन जो उस नाम की जगह आता है, एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो इसको आप बिल्कुल ऐसे ही लर्न करेंगे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, तो ये आपके तीन हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ एंड फिफ्थ के बारे में बात करते हैं। फोर्थ वर्ब, वर्ब बहुत सिंपल है, आप इसके डिफिनेशन पे मत जाइए, पहले आप इसको समझिए। वर्ब, वर्ब मीन्स एक्शन, इसी को ग्रामर में हम वर्ब बोलते हैं, बट इन आवर डेली लाइफ में इसको हम एक्शन बोलते हैं। कोई भी एक्शन, कोई भी एक्शन, उसको हम वर्ब कहते हैं। एक्शन का मतलब सिर्फ इंग्लिश ग्रामर में चलना, बोलना, फिरना, इसी से नहीं है। अगर आप सो रहे हैं, ये भी एक एक्शन है। अगर आप सोते वक्त सपना देख रहे हैं, ये भी एक एक्शन है। अगर आप आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, ये भी एक एक्शन है। तो एक्शन का मतलब इंग्लिश ग्रामर में वर्ब, एवरीथिंग यू डू दैट इज वर्ब। ओके, सो अब यहां पर देखिए दूसरा लिखा हुआ एडवर्ब, एडवर्ब वर्ब, एडवर्ब ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कि इसमें एक रिलेशन है, वर्ब और एडवर्ब के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? जब हम वर्ब के बारे में बात करते हैं कि वो एक्शन कैसे हुआ, सपोज दैट मोहन इज रनिंग, रन कैसे, स्लोली, तो जब हम ये बताते हैं कि वो एक्शन कैसे हुआ, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, वर्ब में अगर हम वर्ब के रिलेटेड कुछ भी ऐड करते हैं, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब। ये सिर्फ आपको मैं समझने के लिए बता रहा हूं। स्लोली, कैसे रन किया, स्लोली। मैं कैसे जाता हूं, केयरफुली। सो ये आपके दोनों एक रिलेशन में है, वर्ब एंड एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? जो वर्ब की विशेषता बताए। अगर वर्ब नहीं है सेंटेंस में, एडवर्ब नहीं आ सकता, आप किसकी विशेषता बताएंगे। ओके, नेक्स्ट सिक्स, यहां पर देखते हैं प्रीपोजिशन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको समझना, आप इसकी डिफिनेशन बाद में हम समझेंगे, पहले ये समझेंगे प्रीपोजिशन यूज क्या होता है, प्रीपोजिशन है क्या। अगर आप इतना पढ़े, सिर्फ इतना, पोजिशन, पोजिशन कोई भी चीज है, अगर हम उसकी पोजिशन की बात करते हैं, इट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। कहां पर है? इन द हाउस। कहां पर है? ऑन द टेबल। जस्ट सिंपल, इट्स अ प्रीपोजिशन। ओके, नेक्स्ट कंजक्शन, कंजक्शन, जक्शन। इसे आपको लग रहा होगा कि हम कुछ जोड़ने वाली बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, हम कुछ यहां पर जोड़ने वाली बात कर रहे हैं। किसी भी सेंटेंस में जब किसी दो शब्दों को, या हम दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को जब हम जोड़ते हैं, तो ये कहलाता है कंजक्शन। इट्स जस्ट लाइक अ सिंपल से एडहेसिव, हम जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ दिया, किसको यूज करके, एंड, दो सेंटेंस को जोड़ दिया यूज करके बट, तो ये वर्ड्स आपके हो जाएंगे कंजक्शन। मैं मोहन के घर गया था लेकिन वह नहीं मिला, लेकिन, लेकिन बट, ये दो सब सेंटेंस को जोड़ रहा है, मैं मोहन के घर गया था लेकिन वो नहीं मिला। अगर आप कल्पना करके देखिए एक बार, आप सोच करके देखिए, अगर यहां पर कंजक्शन नहीं है तो क्या आप दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं? अगर कंजक्शन नहीं है तो क्या आप दो शब्दों को जोड़ सकते हैं? नहीं। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है।
इंटरजेक्शन के लिए सबसे खास बात जो आपको ध्यान देनी है वो इसका ये साइन है, ये साइन। अगर ये साइन नहीं है, कोई भी आप वर्ड यहां पर लिख दीजिए, ओ लिख दीजिए, वाओ लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ये इंटरजेक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये साइन बताता है कि जो आप बोल रहे हैं उसमें उस चीज की आपका एक्सप्रेशन है, उस चीज की आपके अंदर फीलिंग्स आ रही है। विदाउट द एक्सप्रेशन, विदाउट द फीलिंग्स, हम ये नहीं कह सकते कि ये इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन के लिए ये साइन होना जरूरी है, और ये जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक, जब हम विस्मय करते हैं, जब सरप्राइज होते हैं, तब ये वर्ड होगा आपका इंटरजेक्शन। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये तीन हो गए, वर्ब, एडवर्ब, ये फाइव हो गए, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये आपके आठ पार्ट्स ऑफ द स्पीच है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको नहीं आती, इसमें से आप एक भी मिस करते हैं, कंजक्शन आप मिस कर दिए, आप खुद सोच लीजिए कि आप अगर कंजक्शन यूज नहीं करते हैं तो एक अच्छा प्रॉपर सेंटेंस नहीं बन सकता। अगर आप प्रीपोजिशन कहीं आप भूल गए तो आप एक सेंटेंस को सही से फॉर्मेट नहीं कर सकते। ये बेसिक है, दिस इज द बेसिक ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, ये आना ही चाहिए। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो इसको बहुत ही डीपली लेके चलने वाले। Okay, thank you for watching the video and please subscribe.